हमको भी खिलौना दिलाओ ना। अरे तू लड़की जात है, तेरा काम है रसोई घर में मदद करना, खिलौने से क्या करेगी? ना ना ना। पापा पापा पापा। हाँ बेटा। पापा हमें दूध पिलाओ। दूध पी लो पी लो पी लो। पापा हम भी दूध पिएंगे। अरे दूध ताकत के लिए पिया जाता है, तू लड़की है ताकत बना के क्या करेगी? है दूध दूध नहीं। ना ना ना। अब पापा 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 कहाँ गए? हाँ। पापा हमें साइकिल दिलाओ। अच्छा स्कूल जा रहे ले लो ले लो ले। पापा पापा हमको भी साइकिल दिलाओ ना। तू लड़की होके साइकिल चलाएगी? यहाँ ललितपुर में चारों तरफ तो पत्थर पत्थर गड़े हुए हैं, कहीं पत्थर से टकरा के उलट गई, गिर गई, हाथ पैर टूट गए, तो इलाज कौन कराएगा? साइकिल वाइकिल नहीं। ना ना ना। अंदर चल। पापा पापा पापा। हाँ बेटा। पापा पापा ने मोबाइल दिला। अच्छा मोबाइल ले लो ले ले लो। पापा पापा हम भी मोबाइल फोन चलाएंगे। अरे तू मरा मोबाइल का क्या करेगी? है तेरा काम है घर में रहना, रसोई घर संभालना, घर के काम संभालना, मोबाइल वोबाइल नहीं है। ना ना ना। अंदर चलो। अब पापा पापा पापा। अब क्या है बेटा? पापा पापा हमें किताब दिला। अच्छा पढ़ने के लिए? हाँ। तो ले लो ले लो ले लो। पापा पापा हमको भी किताब दिलाओ ना। तू लड़की जात है, तू बोला किताब पढ़ के क्या करेगी? किताब किताब ना ना ना। बस 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 हमको किताब चाहिए ही चाहिए। अरे तू बोला किताब का क्या करेगी? है किताब क्या करेगी लेके? किताब से हाँ पढ़ूंगी लिखूंगी और क्या। अच्छा पढ़ लिख करके क्या करना है तुझे? पढ़ लिख करके हाँ? अपने पैरों में खड़े होंगे और आपका नाम रोशन करेंगे। मेरा नाम रोशन करेगी है? देख मैं तेरे हाथ से अपना नाम रोशन नहीं कराना चाहता है। तेरा काम है घर के काम में मदद करना। अंदर चल और अम्मा की मदद कर जाके चल। भगवान हे ऊपर वाले ये कैसी औलाद दे दी बेटी के रूप में, कहीं मुझे भी पढ़ना है। अब बताओ हमारे खानदान में आज तक लड़की जात स्कूल का मुंह नहीं देखी, अब ये ससुरी कह रही है कि मुझे पढ़ना है, किताब ला के दो। आज इसकी अम्मा से शिकायत करता हूँ, दो चपाट पढ़ेंगे तभी ये सुधरेगी। हाँ हाँ भी आगे ले लो ना। अभी बुलाता हूँ। अरे सुनती हो? अरे कहाँ रह गई? अरे जल्दी से सुन रही हो कि नहीं? नहीं सुन रही हूँ, बहरी हूँ। गूंगा तो बना ही रखा, इतना चिल्लाते हो कि हमको बहरा भी कर दोगे। शुरू हो गई तुम? अरे जरा सी बात होती नहीं है कि तुरंत जो है तुम चंद्रमुखी से सूरजमुखी बन जाती हो एकदम, पता नहीं काहे के लिए है? देखो मेरा मुंह ना खुलवाओ, क्यों गरज रहे हो? जरा जल्दी बताओ क्यों गरज रहा हूँ? अरे अपनी बेटी की बात सुनी है तूने? क्या, क्या कह रही है? कह रही है मुझे किताब ला के दो, मुझे भी पढ़ना है, है। तो क्या हुआ? कितनी अच्छी बात कह रही है मेरी बेटी कि उसको पढ़ना है, उसको क्या हो गया? अच्छा लगता है तेरा भी दिमाग खराब हो गया है, तुझे भी राजकीय आयुर्वेदिक यूनानी चिकित्सालय में ले जाना पड़ेगा लगता है, है? सारे पागलपन का वहीं पे इलाज होता है, है? अब बता अगर बेटी भी पढ़ने के लिए निकल गई बेटे के साथ तो तेरा जो रसोई घर में बर्तन मांजने में कपड़ा धोने में खाना बनाने में जो मदद करती है बिटिया वो कौन करेगा फिर? देखो मुझे किसी की मदद की जरूरत नहीं है, मैं अपना सारा काम खुद से कर लूंगी और मैं खुद चाहती हूँ हमारी बेटी पढ़े लिखे आगे बढ़े और हम दोनों का नाम रोशन करे। तो उसके लिए दीपक तो है ही है, बिटिया की क्या जरूरत? वो खानदान का नाम दीपक ही रोशन कर देगा एकदम। अरे चुप करो, दीपक तो बस नाम का ही दीपक है, चौथी में चार बार फेल हो गया और कहते नाम रोशन करेगा। चार बार फेल हो गया तो क्या हो गया है? कभी ना कभी पास हो ही जाएगा, हार तो नहीं मान रहा है ना, और हार न मानने वाले की कभी भी हार नहीं होती है, समझ ले तू? हाँ हार उसका सारा भार उसकी माँ ढोती है। तू भी है मैके से यही बेअखली लेकर के आ गई है। अच्छा एक बात बता, अब बेटा पढ़ रहा है
उसका खर्चा बड़ी मुश्किल से मेहनत मजदूरी करके निकालता हूँ। अब बेटी भी पढ़ने लग जाएगी तो घर का खर्चा दुगना नहीं हो जाएगा। देखो तुम्हें खर्चे की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, सरकार सारा खर्चा उठाती है, हमारे खाते में 1200 रुपए डालती है ताकि हम बच्चे का जूता मोजा स्कूल ड्रेस कॉपी किताब खरीद सके। अच्छा सच में? हाँ सच में। अच्छा? और तो मैंने ये भी सुना है क्या? कि जो होनहार बच्चे होते हैं उनको सरकार लैपटॉप टैबलेट स्मार्टफोन भी देती है पढ़ने के लिए। लैपटॉप देती है? हाँ। अरे वाह, अच्छा ये सब देती है। तो फिर ऐसा करते हैं कि चलो कुछ दिन के लिए चुटकी को भी स्कूल में डाल ही देते, जब ये सब चीजें मिल जाएंगी तो हम लोग लैपटॉप में दिन भर बैठे बैठे आराम से फिल्में देखा करेंगे। करा गए हो क्या? सरकार लैपटॉप हमारी फिल्में देखने के लिए नहीं देती है, बच्चों को अच्छे से अच्छा पढ़ाई करने के लिए देती है ताकि बच्चे आज के जमाने के हिसाब से पढ़ाई कर सके और आगे बढ़ सके। तब क्या फायदा फिर? अब तुम ही बताओ, अब पढ़ा दे लड़की को, कल को वो पढ़ लिख लेगी ज्यादा तो उसके लिए लड़का भी तो मिलना मुश्किल हो जाएगा, रिश्ता कहाँ से लाएंगे उसके लिए ढूंढ के। अरे ये भी तो सोचो, लड़की पढ़ लिख करके काबिल बन जाएगी तो उसके आगे पीछे लड़कों की लाइन लगी रहेगी रिश्ते के लिए। अच्छा तू उसकी अम्मा है या दुश्मन है बता? लड़की के आगे पीछे लड़कों की लाइन रहेगी और तू कह रही उसे पढ़ाओ है? अरे कितनी गलत बात है, लड़की के आगे पीछे लड़कों की लाइन। अरे छेड़खानी का खतरा नहीं बढ़ जाएगा किसका? जब आगे पीछे लड़के ही लड़के होंगे तो कहीं उसको छेड़खानी हो गई तो कौन, हमारी तो नाक कट जाएगी उसके साथ। अरे सरकार केवल लड़कियों की शिक्षा पे ही ध्यान नहीं दे रही है, जानते उनको आत्मरक्षा का प्रशिक्षण भी दे रही है ताकि खुद की रक्षा स्वयं कर सके। फिर देखो कौन सा कलमो उनकी तरफ आँख उठा के देखता है। अच्छा मतलब स्कूल में पढ़ाई के साथ साथ अब ढिसुम ढिसुम भी सिखाएंगे क्या है? अच्छा अच्छा, ये तो हमें मालूम ही नहीं था। यानी कि हमारी बेटी के पढ़ाई में कोई बाधा ही नहीं आएगी, कोई आगे पीछे लड़के जो है उसके साथ कोई भी परेशानी उत्पन्न नहीं कर पाएंगे और उनसे वो खुद ही निपट लेगी। वही तो। अच्छा ये तो हमें मालूम ही नहीं था। वो तो क्या है कि जैसे कि आजकल चल रहा है ना अपने प्रदेश में, तू तो बिल्कुल मिशन शक्ति जैसी बात कर रही है। अरे मिशन शक्ति मैं नहीं, हमारी बेटी बनेगी। और जानते हो लड़कियों को स्कूल में गणित और विज्ञान जैसे विषय भी पढ़ाए जा रहे हैं, तो इसीलिए देर न करो, तुरंत जाओ और बेटी का स्कूल में दाखिला करवा लो। हाँ मैं आज ही जाता हूँ, उसके दाखिला का फॉर्म लेके आता हूँ। अब तो मुझे भी लगता है मेरी बेटी भी पढ़ लिख करके कहीं किटी पिटी अंग्रेजी बोलने वाली मेम साहब की तरह हो जाएगी। तो कह रही देर न करो, जल्दी जाओ। क्या कहते हैं अंग्रेजी में? गो। Thank you.